बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले में 4 जवान घायल हुए हैं जबकि 1 जवान शहीद हो गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने वायुसेना की गाड़ी पर गोलीबारी की। यह हमला सुरनकोट के सनाई गांव में हुआ। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने पूरे इलाके को घेर रखा है और बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो पुंछ में आतंकी हमला हुआ है, एयरफोर्स का 1 जवान इस हमले में शहीद हो गया है। सेना का सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है, हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है। घने जंगलों में तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है। कल आतंकियों ने ये हमला किया था। जी, मीडिया की टीम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है किस तरह से ऑपरेशन जो है वो सेना का जारी है। इसी बीच अब ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद भी जो है वो यहाँ सुरक्षा बलों द्वारा ली जा रही है इन आतंकियों की तलाशी में। लगातार आपको बता दें कि जंगल का एरिया होने की वजह से सुरक्षा बलों के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। ऐसे में सुरक्षा बल पूरी तरह से अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर इन आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज दिखा रहा है अपने कैमरे पर, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो आपको बता दें कि लगातार ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कितनी इंटेंसिटी से ये सेना का ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस ऑपरेशन में 2 से लेकर 3 जो आतंकी हैं वो घिरे हुए हैं और इन्हीं जंगलों में ये जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, जहां पर कई सारी प्राकृतिक गुफाएं बनी हुई हैं, कई सारे घने जंगल का एरिया जो है वो यहां पर है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए जो चुनौती है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था बसंतगढ़ और बनी में जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें भी यूएवी जो अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स हैं उसका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था सर्च के लिए, और इसी के साथ साथ यहां पर भी लगातार जो चॉपर हैं, हेलीकॉप्टर हैं, उसकी मदद ली जा रही है तलाशी के लिए ताकि इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। ऐसे में सुरक्षा बल किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रहे और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं, ना सिर्फ जमीन से बट आसमान से भी लगातार जो है वो निगरानी रखी जा रही है, और इसीलिए ड्रोन्स और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसका यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढा जा सके, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके और इन घने जंगलों में जो आतंकी कवर है वो यहां पर खोदी जा सके। जर्नलिस्ट मानिक केनी सादा, जोधपुर, आजी मीडिया, सुरनकोट, पुंछ। तो आपने देखा किस तरह से जमीन से लेकर आसमान से निगरानी रखी जा रही है और ये ऑपरेशन लगातार अब भी जारी है। इस हमले के बाद वायुसेना ने भी बयान जारी किया है। क्या खास बातें इस बयान की आपको बता दें, आतंकियों के साथ गोलीबारी में वायुसेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें 5 वायुसेना के जवानों को गोली लगी है, उन्हें तत्काल चिकित्सा के लिए निकटतम सैन्य अस्पताल ले जाया गया। 1 एयरफोर्स का जवान शहीद हुआ है। स्थानीय सुरक्षा बल आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और इस आतंकी हमले में जो जवान शहीद हुए हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 4 और जवान इस हमले में घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। कॉर्पोरल विक्की पहारेल इनका नाम है जिनकी इस आतंकी हमले में शहादत हुई। अर्जी मीडिया संवाददाता रजत वोरा मेरे साथ जुड़ गए। सीधा रजत का मैं रुख करना चाहूंगी। रजत, फिलहाल सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी, लगातार कल शाम से ही सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और इस समय जहां हम खड़े हैं, जेरा वाली गली इसे कहा जाता है, और यहीं से कुछ ही मीटर दूरी पर ये लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। पर लगातार आपको बता दें कि अब क्योंकि जंगल जो है वो काफ़ी घना है और कई सारी प्राकृतिक गुफाएँ हैं, ऐसे में सुरक्षा बल हेलीकॉप्टर्स का और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर जो सर्च है वो कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि लगातार यूएवी ड्रोन्स भी जो हैं वो भी जानकारी मिली सूत्रों के वाले से कि उनकी भी मदद ली जा रही है, क्योंकि घने जंगल का इलाका होने की वजह से कई सारी चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने हैं। 2 से लेकर 3 आतंकी गिरे हुए हैं और बताया यह जा रहा है कि ये लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हो सकते हैं। सबसे पहले जी मीडिया की पूरी और जानना चाहूंगी, बीते 2 हफ्ते में ये तीसरा आतंकी हमला है। अगर हम पुंछ और राजौरी जिले की बात करें, पीर पंजाल का ये क्षेत्र ही आतंकियों के निशाने पर क्यों बना हुआ है?
जी बिल्कुल, इसके दो तीन बड़े कारण है। सबसे पहला, कश्मीर घाटी में जिस तरह से आतंकवाद की कमर तोड़ी गई है, ऑपरेशन ऑल आउट ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पहली बार है कि आंकड़ा दो डिजिट तक पहुंच चुका है, यानी कि 100 से भी कम आंकड़ा जो है वो हो चुका है। ऐसे में लगातार आतंकी बुखलाए हुए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल इस एरिया को कहा जाता है, यहाँ पर कई सारी ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं और ट्रेडिशनल रूट भी रहा है, और घना जंगल होने की वजह से आतंकियों को आसानी होती है यहाँ पर रहने में। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये भी सुरक्षा बलों द्वारा पीछे देखा गया था कि कई सारे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो पहले इनएक्टिव हो चुके थे सुरक्षा बलों की कार्रवाई की वजह से, वो कहीं ना कहीं वापस एक्टिव हुए हैं, जिसकी वजह से अब कार्रवाई उनके खिलाफ भी तेजी से की जा रही है। इसीलिए हमने देखा था कि बाटादुड़िया के ऑपरेशन के बाद 200 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया था। तो एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से इन एरियाज में एक बार फिर से आतंकी अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। बट सुरक्षा बलों ने पिछले एक साल की बात करें तो करीबन 20 से ज्यादा आतंकियों को, जिसमें टॉप आतंकी कारी, लश्कर ए तैयबा के जैश मोहम्मद, कई सारे आतंकियों को मार गिराया। तो साफ तौर पर आतंकियों की कमर टूटी है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों में भारी तादाद में लोग वोट करने निकल रहे हैं, दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। शुक्रिया रजत आपका ये अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। Z News।